अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय लिटिल किड्स, व्हाट आर यू डूइंग? कम बैक टू योर इंग्लिश स्टडी। स्टूडेंट्स, एज यू नो, योर असेसमेंट विल स्टार्ट वेरी सून। योर फर्स्ट पेपर इज इंग्लिश, ओके? सो स्टूडेंट्स, यू विल रीड प्रॉपरली, यू विल राइट प्रॉपरली, ओके? स्टूडेंट्स, टुडे इन योर क्लास टू, योर सब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम गोइंग टू रिवाइज योर यूनिट नंबर टू, ओके? व्हाट इज द नेम ऑफ योर यूनिट नंबर टू? देयर इज वन लेसन एंड वन पोम इज योर यूनिट टू। द नेम ऑफ द पोम इज आई एम लकी, ओके? एंड द नेम ऑफ द लेसन इज आई वॉन्ट। स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो में यूनिट नंबर टू रिपीट करती हूँ, उसकी समरी आपको दिखाती हूँ कि ये पोम और लेसन में क्या है, ओके? सो एवरीवन, ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, इन दिस पोम आई एम लकी, देर इज वन गर्ल, ओके? This poem is about the feeling of a girl. ये जो girl है उसकी feeling के बारे में है ये poem में। ये poem में ये girl क्या think करती है कि if I were a butterfly, अगर मैं butterfly होती, you can see here, तो मैं क्या करती? I would be thankful for my wings. You can see here, देखो ये butterfly की wings है ना। तो ये गर्ल क्या थिंक करती है, क्या फील करती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मेरे पास ब्यूटीफुल विंग्स होती। देन क्या थिंक करती है? इफ आई वेयर अ मैना, यू कैन सी हियर विच बर्ड इज दिस, दिस इज अ मैना। सो ये गर्ल थिंक करती है कि अगर मैं मैना होती तो मेरे पास ब्यूटीफुल वॉइस होता और आई कैन सिंग, ओके? आई कैन सिंग ऑन अ ट्री। मैं ये मैना जैसा ब्यूटीफुल वॉइस में सिंग करती। देन ये गर्ल थिंक करती है इफ आई वेर अ फिश इन द सी, अगर मैं सी के अंदर फिश होती तो क्या करती? आई कैन रीगल एंड गीगल विथ ग्ली। फिश क्या करती है? वॉटर में तैरती है ना। तो ये गर्ल भी ऐसा थिंक करती है कि अगर मैं फिश होती तो मैं सी के अंदर, वॉटर के अंदर तैरती। फिर नेक्स्ट क्या थिंक करती है ये गर्ल? स्टूडेंट्स, विच एनिमल इज दिस? दिस वन इज एन एलिफेंट। सो ये गर्ल थिंक करती है कि इफ आई वेर एन एलिफेंट आई कैन रेज माय ट्रंक। यू कैन सी हियर दिस वन इज एलिफेंट्स ट्रंक। ये एलिफेंट की ट्रंक है और ये एलिफेंट उसकी ये ट्रंक से क्या करता है? अपने ऊपर वाटर डालता है, ओके? तो ये गर्ल ऐसा सोचती है कि अगर मैं एलिफेंट होती तो ये रेस, ये जो ट्रंक है उसको रेस कर सकती, ओके? मींस मैं अपने आप पर पानी डालती एलिफेंट जैसा। देन विच एनिमल इज दिस? ये कौन सा एनिमल है? दिस वन इज कांगारू, ओके? और कांगारू क्या करता है? हॉप करता है। सो दिस गर्ल थिंक्स दैट इफ आई वेर अ कांगारू I would try to hop like kangaroo. अगर मैं कांगारू होती तो ये कांगारू जैसा hop करती। कहाँ पे? Right up to the moon. Moon के पास जाती और ऐसे hop करके, okay? Then which creature is this? ये कौन सा animal है? This one is an octopus. And you know octopus के कितने wings होते हैं? Eight arms होते हैं। You can see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So, ये गर्ल थिंक करती है कि if I were an octopus, I have 8 arms. अगर मैं octopus होती तो मेरे पास 8 arms होते, okay? So, फिर एंड में ये गर्ल क्या कहती है? She also asks question to the readers. If they are happy and satisfied with what they had in her life, ये आप लोगों को question करती है ये girl
कि आप लोग हैप्पी हो, आपके पास जो है इससे. वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू? आपको मेरे जैसा ऐसा सब बनना है कि फिर आप जैसे हो उससे खुश हो, हैप्पी हो? ओके स्टूडेंट्स, सो हियर योर पोम फिनिश. लेट्स सी इट्स न्यू वर्ड्स मीन्स गिव मीनिंग. ओके, सो बटरफ्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई? बटरफ्लाई मीन्स एन इंसेक्ट विथ ब्यूटिफुल विंग्स. ओके, देन मैना, मैना मीन्स अ बर्ड विथ स्वीट वॉइस. देन फिश, फिश मीन्स एन एनिमल विथ गिल्स. आपको पता है फिश, फिश मीन्स मछली. ओके, कांगारू, कांगारू मीन्स एन एनिमल हैविंग पाउच. जो एनिमल के पास पाउच होता है ना, इसको हम कांगारू बोलते हैं. यू कैन सी हियर. ओके, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मीन्स एन एक्वेटिक एनिमल विथ 8 arms. यू कैन सी हियर, दिस वन इज ऑक्टोपस. सो स्टूडेंट्स, हियर योर पोम समरी फिनिश. स्टूडेंट्स, यू विल ओपन योर CW एंड रीड क्वेश्चंस आंसर्स ऑल्सो एंड गिव मीनिंग्स ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी समरी ऑफ योर लेसन. I want. Okay. Students, what is the meaning of want? Want means क्या? I want. ये wish है. I want means अगर मेरे पास होता. Okay. Means ये wish है. क्या आपकी भी कोई wish होगी ना? आपको कुछ बनना है, ऐसी कोई wish होती है ना? So students, here in this lesson, there is one little monkey. You can see here. और ये little monkey भी कुछ बनना चाहता है. मीन्स उस ये सब एनिमल को देखता है तो विश करता है कि मैं भी इसके जैसा होता. सो स्टूडेंट्स, दिस लिटल मंकी क्या बनना चाहता है? आई वॉन्ट टू बी बिग. ये लिटल मंकी बिग बनना चाहता है. सो व्हाट हैपन? देयर वाज वन वाइज वुमन. यू कैन सी हियर, she has magic wand. Wand means stick. उसके पास magic stick थी, जादुई stick थी. Okay, so ये जो little monkey है वो big बनना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था. So ये wise woman ने ये जो magic stick है वो ये monkey को दी. Okay, तो क्या हुआ? A giraffe comes by. वहां से एक जिराफ पास हुआ. अब आप लोगों को पता है जिराफ कैसा एनिमल है, उसकी नेक कैसी होती है? लॉन्ग नेक. ओके, तो ये मंकी ने क्या सोचा कि इफ आई हैव नेक लाइक अ जिराफ, तो ये जो वाइज वुमन है उसने ये जो मैजिक स्टिक ये मंकी को दी थी और उसने क्या बोला था कि तू जो भी बनना चाहता है वो बन जाएगा ये मैजिक स्टिक से. सो ये लिटिल मंकी ने कौन सी विश की कि मेरे पास ये जिराफ जैसी नेक होती. नेक मीन्स गर्दन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, देखो ये मंकी की नेक कैसी हो गई, जिराफ जैसी. ओके, लॉन्ग नेक, यू कैन सी हियर. देन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स? An elephant comes down to the river. अब एक elephant था जो river के पास जा रहा था. Okay, elephant ने क्या किया? Elephant fills his trunk with water and blows all over himself. Elephant ने पानी में से अपनी trunk को fill किया और अपनी पूरी body ऊपर वो water blows किया. तो ये monkey को क्या हुआ कि if I were I had a trunk like an elephant. अगर मेरे पास elephant जैसी trunk होती तो मैं भी उसको feel करता water से और अपने ऊपर blows करता. Okay, so what happened? Little monkey got trunk like an elephant. You can see, देखो ये monkey की ये जो neck है वो जिराफ जैसी हो गई,
ये जो ट्रंक है वो कैसी हो गई? एलिफेंट जैसी। अब क्या हुआ? लिटिल मंकी कौन सा एनिमल देखता है? जेब्रा। अब आप लोगों को पता है जेब्रा के पास क्या होता है? उसके पास स्ट्रिप्स होते हैं। जेब्रा कैसा एनिमल है? उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं ना। सो ये लिटिल मंकी ने क्या विश की कि अगर मेरे पास जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स होते। ओके, सो ये लिटिल मंकी ने जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स भी पा लिए। उसने वो स्ट्रिप्स भी मिल गए वो मैजिक स्टिक की हेल्प से। यू कैन सी हियर, उसके पास मैजिक स्टिक है, वो वाइज वुमन ने दी थी। सो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? ये जो लिटिल मंकी है उसने क्या सोचा कि चलो मैं भी रिवर के पास जाता हूँ और ये जो ट्रंक है उसको फील करके ट्राई करता हूँ। ओके, सो ये लिटिल मंकी रिवर के पास गया। तो वहां क्या हुआ? ही सीज हिमसेल्फ इन वॉटर। ये लिटिल मंकी अपने आप को वॉटर में देखता है, रिवर का जो वॉटर है उसके अंदर देखता है। तो उसको क्या दिखाई देता है? हिज क्राइज टू हिज मदर। वो अपनी मदर को क्राइज करता है। क्या क्राइ करता है? हेल्प अ मॉन्स्टर। मदर हेल्प करो मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होता है? ह्यूज हॉरिबल एनिमल, जो डरावना एनिमल होता है ना उसको मॉन्स्टर बोलते हैं। सो ये लिटिल मंकी अपने आप को पानी में देखता है तो उसको मॉन्स्टर जैसा लगता है। तो उसकी मदर ने क्या बोला? अरे इट्स नॉट अ मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये तो तू ही है। तू एलिफेंट ने एलिफेंट को बोला कि तुझे ट्रंक चाहिए थी। एलिफेंट मंकी को बोला कि तुझे एलिफेंट जैसी ट्रंक चाहिए थी, फिर जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स चाहिए थे। याद है तुझको? डू यू रिमेम्बर? सो ये लिटिल मंकी क्राइस करता है, रोता है और क्या कहता है? आई वॉन्ट माई सेल्फ अगेन। मुझे मैं जैसा था वैसा ही चाहिए। ओके, सो वंस अगेन दिस लिटिल मंकी गॉट हिमसेल्फ। ओके, वो जैसा था वैसा ही बन जाता है फिर लास्ट में, ये मैजिक स्टिक की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस लेसन? वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव। हमें अपने पास जो है उससे ही हैप्पी रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी योर एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स, पुट करेक्ट और रॉन्ग मीन्स अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस है उसमें आपको राइट और रॉन्ग टिक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर। ओके, यू हैव टू कीप करेक्ट एंड क्रॉस। सो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है अगर राइट है तो आपको राइट टिक करनी है, रॉन्ग है तो रॉन्ग टिक करनी है। सो दिस सेंटेंस इज राइट, सो यू विल कीप हियर राइट। अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, देन सी गिव्स हिम अ वॉर्न, दिस वन इज करेक्ट। राइट, द जिराफ स्ट्रेचिज हिज लॉन्ग नेक, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, द एलिफेंट हैज नो ट्रंक, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। देन द जेब्रा हैज स्ट्रिप्स, जेब्रा के पास स्ट्रिप्स थी, करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द लिटल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यू विल रीड पोम ऑल्सो, दिस लेसन ऑल्सो, देन क्वेश्चन आंसर फ्रॉम सीडब्ल्यू बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रीड प्रॉपरली एंड राइट प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, बी हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक टू माई लवली किड्स फॉर योर असेसमेंट। ओके, बाय बाय।